दोस्तों कई बार सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए या कई बार सड़क पर चलते हुए पैर मुड़ जाता है और अचानक पैर मुड़ जाना मोच की वजह बन सकता है और उस स्थान पर धीरे धीरे सूजन बढ़ने लगती है। मोच आने को हम इंग्लिश में लेग स्प्रेन या एंकल स्प्रेन के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही आम जोड़ों की समस्या है जो किसी को भी किसी भी समय हो सकती है। खेलते कूदते समय, सीढ़ी चढ़ते समय या तेज गति से चलते हुए समय पैर में या कमर में मोच आ सकती है। मोच आने पर उस जगह पर सूजन आ जाती है और काफी दर्द होने लगता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है तो आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले तो मोच वाली जगह पर आपको बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, इससे मोच वाली जगह पर सूजन नहीं आती और दर्द दूर करने के लिए हर 1 से 2 घंटे में 20 मिनट की बर्फ की सिकाई करते रहें। इसके लिए आप बर्फ को एक कपड़े में लपेट ले और उसके बाद मोच वाले स्थान पर इसको लगा के रखें और अगर मोच आने की वजह से जगह थोड़ी छिल गई है तो आप सबसे पहले एक कटोरी में 5-6 चम्मच सरसों का तेल लें, उसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी का एक पेस्ट ले लें और 4-5 लहसुन की कलियों को पीस कर डालने के बाद आप इसे धीमी आंच पर कुछ देर तक रखें और उसके बाद पोंछ पर धीरे धीरे से इस तेल की मसाज करें। अब सरसों और हल्दी जो होती है उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल दोनों ही गुण मौजूद होते हैं जो सूजन और घाव को ठीक करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आप जो है मोच के स्थान पर चने बांधकर उन्हें पानी से भिगोते रहें, यह भी बहुत ही कारगर उपाय माना गया है। मोच आने पर आप 1/2 चम्मच फिटकरी लें और उसे 1 गिलास गर्म दूध में मिक्स करके पी जाएं, इससे जो चोट होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आप शहद और चूने को 2 बराबर मात्रा में मिलाकर मोच वाली जगह पर इससे हल्की हल्की मालिश कर सकते हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। चोट लगने पर आप तुलसी की पत्तियों का तुरंत एक पेस्ट बना लें और उसको चोट वाले स्थान पर लगाएं। तुलसी के जो औषधीय गुण होते हैं वो बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाते हैं और दर्द में काफी राहत प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं मोच से संबंधित यह जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।